कार 44 टन लॉरी के सामने 55 मील प्रति घंटे की दूरी पर चलने से बाहर खींचती है, लेकिन गलत में कौन था? दुर्घटना वेल्स में 55 पर हुई क्योंकि लॉरी चेस्टर की तरफ यात्रा कर रही थी जब एक रजत कार के चालक ने एक ले बाय से बाहर खींच लिया था। यह एक भयानक क्षण है जब ड्राइवर ने एचजीवी के सामने खींच लिया क्योंकि यह 55 के साथ चेस्टर की तरफ यात्रा कर रहा था। दुर्घटना वेल्स में लंडुलास के पास पिछले नवंबर में हुई थी जब रजत कार की महिला चालक एक ले बाय से बाहर खींच लिया था। दर्शक अहम फुटेज लॉरी को कार के रूप में धीमा कर दिखाता है जो संकेत दे रहा था खींचता है, लेकिन लॉरी के लिए कार को मारने से बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। प्रभाव की शक्ति कार को बाहरी लेन में घुमाती है जहां नीली मर्सिडीज संपत्ति तब उसमें टूट जाती है। बाधाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दोनों कारें केंद्रीय आरक्षण में आराम करने आती हैं। उस समय वेल्श एम्बुलेंस सेवा के एक प्रवक्ता ने कहा, हमें सुबह सुबह 9:55 बजे से पहले बुलाया गया था। ओल्ड कोलविन के लिए जंक्शन 22 और लैंडुलास के लिए 23 के बीच 55 पूर्व बाउंड पर दो वाहन वाली सड़क यातायात टक्कर की रिपोर्ट के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस में दो कर्मचारियों को दृश्य में भेजा गया था। ऐसा माना जाता है कि चांदी हुंडई का चालक एक गलती पाया गया था और ड्राइवर जागरूकता पाठ्यक्रम पर भेजा गया था। फुटेज यूट्यूब पर दिखाई दिया है जिसमें टिप्पणी कार बड़े पैमाने पर लॉरी ड्राइवर का समर्थन करते हैं। कैक मॉन्स्टर 147 लिखा था, महिला वास्तव में उसका लाइसेंस ले जाना चाहिए। वह यातायात के स्पष्ट दृश्य के बारे में है जो आप चाहते थे, सूखी और काफी उज्ज्वल स्थितियों के साथ सड़कों पर सबसे बड़ा वाहन उसके आने के लिए देखने के लिए वह अभी भी बाहर खींचती है। हास्यास्पद के फिल्टम जोन्स ने कहा, उन दुर्घटनाओं के बाद हाउ ने अपना काम किया, यह उनके बिना भी बदतर होता। बहुत खुश कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और ड्राइवर ने गलती का भुगतान किया। भगवान जानता है कि वह क्या सोच रही थी। एचजीवी व्यवहारिक रूप से उसके ऊपर खींचने पर उसके ऊपर थी। ड्राइविंग व्हील्स ने कहा, मैंने कई बार पहले इस परत से बाहर खींच लिया है। दृश्यता बहुत अच्छी है, आप पहाड़ी के नीचे आने वाले दोनों लेनों में यातायात को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस चालक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा। साथ ही वे स्टिंट से 70 मील प्रति घंटे यातायात में शामिल होने की कोशिश करते समय किसी भी उचित त्वरण का प्रयास नहीं करते थे।